हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुबोध तिवारी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर सुबोध तिवारी ऑफिशियल, बेस्ट डील फोर व्हील्स, निराला नगर, लखनऊ से। तो आज स्पेशली जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये स्पेशल सिर्फ बोलेरो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें काफ़ी लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं बोलेरो की, तो इसमें बोलेरो मेरे पास में आपको जैसे DI इंजन पर मैं बोलेरो दिखाऊँगा आज आपको। शायद काफ़ी दिनों बाद मैं DI दिखाने जा रहा हूँ आपको, चारों कमानी वाली। तो DI पे दिखा दूंगा मैं आपको, SLX दिखा दूंगा मैं आपको, इसमें ZLX दिखा दूंगा, B4 दिखाऊंगा, B6 दिखाऊंगा और नियो भी दिखाऊंगा। तो कुछ बोलेरो दिखाता हूँ लेटेस्ट मॉडल की और एक आध साथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे मॉडल की, तो कुछ गाड़ियाँ दिखाता हूँ, देखिए। और बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जो भी आपसे बनता हो ज़रूर करिएगा। शोरूम हमारा ये निराला नगर में है, बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ, लखनऊ। सारे साधन हैं यहाँ पे आने के लिए, मेट्रो स्टेशन भी है IT, और आपका ऑटो, टेम्पो, रिक्शा, बस सभी कुछ आता है। तो आइए और शोरूम पे आइए, गाड़ियाँ देखिए आके। बाकी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, देखिए इसको। जो भी इंक्वायरी चाहिए आपको आप मुझे कॉल करिएगा, बताइएगा। तो आइए शुरू कर देते हैं और दिखाते हैं कुछ गाड़ियाँ। तो जो पहली गाड़ी मेरी होने जा रही है, पीछे मेरा खड़ी हुई बोलेरो, और ये B6 मॉडल हो जाएगा, वेरिएंट हो जाएगा इसका, B6 फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2021 का मॉडल है, नंबर लखनऊ का है। गाड़ी जो चली हुई है ये 6000 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। कंडीशन A1 हो जाएगी, शोरूम कंडीशन जैसी। तो एक वॉक अराउंड कराता हूँ, अंदर बाहर गाड़ी दिखाता हूँ, देखिए। तो बोलेरो की बात कर रहा था मैं, तो ये बोलेरो मॉडल की अगर बात करें तो 2021 का मॉडल है ये। ये देखिए कंडीशन बेहतरीन कंडीशन होगी, पेंट पॉलिश कुछ भी नहीं किया गया है, A1 कंडीशन होगी गाड़ी। टायर वगैरह की अगर बात करें तो सब ओरिजिनल टायर हैं और मुझे लगता है लगभग 90-95% टायर होंगे ये। 6000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड कंडीशन एकदम बेहतरीन होगी। ये स्क्रैच नहीं है, कुछ लगा हुआ है, तो बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। ये तो खड़ी नहीं हो, एक बार मैं आपको इसको बैक साइड से भी दिखा रहा हूँ, देखिए ये कंडीशन होगी गाड़ी की। तो अभी तो ब्रांड न्यू है गाड़ी, 6000 किलोमीटर, B6 बोलेरो। टायर जैसे मैंने आपको दिखाया, सारे टायर ओरिजिनल साथ के लगे होंगे गाड़ी के, कोई भी टायर नहीं बदला गया गाड़ी का। कंडीशन एकदम A1 M-Hawk D75, इस साइड से भी देखिएगा। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन होगी गाड़ी में, कुछ भी नहीं करना है। मैं एक बार अंदर से भी दिखा रहा हूँ आपको इसको। तो लगभग जो नॉर्मली फीचर चाहिए होते हैं सारे मिल जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पे चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, स्टेयरिंग पावर हो जाएगा, और एक ये सिंगल एयरबैग हो जाएगा स्टेयरिंग के ऊपर। म्यूजिक सिस्टम में महिंद्रा से कंपनी फिटेड लगा हुआ है, AC हो जाएगा। सीट कवर ये लेदर के लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया सीट कवर लगे हुए हैं। सेंट्रल लॉकिंग इसी चाबी में ही हो जाएगी। और जो गाड़ी चली हुई है ये 6464 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड सीट कवर लेदर के लगे हुए हैं और बढ़िया कंडीशन में। मैटिंग वगैरह बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, तो आपको सीट कवर और मैटिंग कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिएगा ये कंडीशन होगी और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। स्टेपनी ब्रांड न्यू लगी होगी, अभी तक निकाली नहीं गई है। ये देखिए यहाँ से भी, और बॉडी कवर इसका रखा हुआ है। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में है बोलेरो 2021 मॉडल की, BS6 लखनऊ नंबर का। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, 2021 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर है, नंबर लखनऊ का है। BS6 वेरिएंट हो जाएगा इसका, और 6400 किलोमीटर गाड़ी चली हुई, ऑन रिकॉर्डेड फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। टायर स्टेपनी का ब्रांड न्यू लगा हुआ है, सारे टायर गाड़ी के साथ के हैं, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होगी, ओरिजिनल मीटर पे होगी और साथ में कंपनी की गारंटी भी होगी। और उसके अलावा हमारी भी गारंटी होगी, 6 महीने की इंजन, गियर बक्सा, बैटरी की, अभी कंपनी की गारंटी में भी है और बाकी हमारी तरफ से भी गारंटी रहेगी। आस्किंग प्राइस की बात करूँ, जो इसकी डिमांड है 9,75,000 रुपये की आस्किंग प्राइस है और ये निगोशिएबल प्राइस है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है, जो भी प्राइस कम हो जाए। नेक्स्ट गाड़ी जो मेरी है बोलेरो न्यू, और बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में गाड़ी है, UP 76 नंबर हो जाएगा इसका, फरुखाबाद का नंबर है। गाड़ी जो चली हुई है 19,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी होगी, पूरी ओरिजिनल पॉलिश पेंट पे, तो कुछ भी करना नहीं गाड़ी में। और एक वॉक अराउंड कराता हूँ इसका और गाड़ी अंदर बाहर दिखाता हूँ, देखिए।
तो बोलेरो नियो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में गाड़ी होगी, ये मेहंदी कलर हो जाएगा, ये कंडीशन तो एकदम लाजवाब है। टायर की अगर बात करूँ तो ये सारे टायर साथ के लगे हुए, कोई भी टायर नहीं बदला गया गाड़ी का। कंडीशन जैसा आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं बैक साइड से भी दिखा रहा हूँ इसको, तो ये देखिए ये कंडीशन हो जाएगी इसकी। N8 वेरिएंट हो जाएगा, नंबर UP76 फारुखाबाद का है, बोलेरो नियो। पूरी गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में होगी, कोई भी पेंट पॉलिश कुछ भी गाड़ी पे नहीं। स्टेपनी की बात करूँ तो ब्रांड न्यू लगी हुई है। बैक साइड की बात करें तो एक सीट ये देखिए ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे अगर इसको चाहो तो आप फोल्ड कर लीजिए। तो मैटिंग वगैरह बहुत बढ़िया कंडीशन में है। इधर पीछे से आप देख रहे थे, इस साइड से भी देखिए अगर अंदर तक की बात करें तो सीट कवर से लेकर के छत तक बहुत बढ़िया साफ़ सुथरी होगी। इस साइड से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, टायर वगैरह जैसे आपको दिखाया मैंने तो बहुत बढ़िया कंडीशन में टायर भी होंगे। बॉडी लाइन से आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही इंजन से कुछ करना है, इंटीरियर इंजन अंदर बाहर कुछ भी नहीं करना है। इस साइड से भी देखिएगा तो कुछ ये कंडीशन है और बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी होगी, ब्रांड न्यू कंडीशन। अंदर से भी मैं दिखा रहा हूँ आपको इसको। फीचर की अगर बात करें तो सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं, जैसे अभी आपको इससे पहले की बोलेरो दिखाई है और इसमें, और उसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे चारों पावर विंडो हो जाएंगे इसमें, ये पावर स्टीयरिंग हो गया, AC आपका यहीं पे हो गया, म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड ये वाला हो गया, उसमें नॉर्मल लगा हुआ था। एयरबैग इसमें दो हो जाएंगे, एक आपका ये स्टीयरिंग पे हो जाएगा, एक आपका पैसेंजर एयरबैग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए भी हो गया। चाबी में ही सेंट्रल लॉकिंग हो जाएगी और गाड़ी जो चली हुई है, ओहो तो स्टार्ट हो गई गाड़ी जो चली हुई है ये चल गई है 19,519 किलोमीटर, ऑन रिकॉर्डेड होगी ये पूरा सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। ये कुछ यहाँ पे बटन्स भी लगे हुए हैं, इको मोड है और ESS ये मोड हो गया, तो दो मोड भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट की एक चार्जिंग पॉइंट कह सकते हैं, ये USB का हो गया, ऑक्स का हो गया। म्यूजिक सिस्टम, चाबी में सेंट्रल लॉकिंग, साइड मिरर मैनुअल होंगे और अंदर से ही एडजस्टमेंट हो जाएंगे। इधर से अगर बात करें तो सीट कवर वगैरह, मैटिंग वगैरह बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो कुछ भी नहीं करना है। पीछे मैंने आपको दिखाया ही था, तो गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है, फ्यूल डालिए गाड़ी चलाइए, सिर्फ इतना ही करना है। बोलेरो नियो मॉडल 2021 का, ओनर फर्स्ट, चली 19,000, बेहतरीन कंडीशन। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो नियो की, मॉडल इसका 2021 का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर 75 फरुखाबाद का हो गया, 19,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, विद कंपनी की गारंटी के साथ में, और बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन है। माइलेज भी बहुत अच्छा देती है नियो, करीबन 20 के आसपास का लोकल माइलेज निकाल देती है, और हाईवे पे हैं तो ऊपर नीचे भी हो सकता है कि क्या माइलेज आ जाए। चलिए इसके प्राइस की बात कर देता हूँ। आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो जो इसकी डिमांड है वो 10 लाख रुपये की डिमांड है, नई गाड़ी करीबन 11.5-12 लाख रुपये की है, 10 लाख रुपये की डिमांड है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ और बार्गेनिंग हो सकती है, तो लमसम आपका 1.5-2 लाख रुपये के आसपास का बेनिफिट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी को लेना तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ अगली गाड़ी। तो अगली गाड़ी भी बोलेरो ही है, क्योंकि मैंने बोला है इस वीडियो में सिर्फ बोलेरो ही होंगी। तो 2020 मॉडल की गाड़ी होगी ये, और इसका वेरिएंट है SLX, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर UP44 सुल्तानपुर का हो जाएगा। गाड़ी जो चली हुई है ये 40,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। तो एक वॉक अराउंड कराता हूँ, अंदर बाहर गाड़ी दिखाता हूँ, देखिए। तो मैं बात कर रहा था बोलेरो की, UP44 नंबर में ये वाइट कलर की बोलेरो है, A1 कंडीशन में। गाड़ियाँ जो भी अपने पास में होंगी इनकी पूरी तरह से गारंटी होगी, हर एक चीज़ की पूरी तरह से गारंटी होगी, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होंगी और मीटर तक की गारंटी होगी। जैसे आप देख रहे हैं वाइट कलर की गाड़ी और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी। टायर की अगर बात करूँ, ये ओरिजिनल टायर पर गाड़ी है, और टायर भी यदि लमसम 50% के आसपास के टायर हैं, 45-50% टायर होंगे, और कंडीशन जैसे आप देख रहे हैं एकदम बेहतरीन है। जगह मिल जाती है थोड़ा सा तो पूरा दिखा देता हूँ, नहीं तो काफ़ी कम जगह मिलती है। तो इधर से भी देखिएगा, ये देखिए बढ़िया A1 कंडीशन, नंबर 7201 बोलेरो, स्टेपनी भी साथ ही होगी और बढ़िया टायर स्टेपनी का भी है। इस साइड से भी देखिएगा तो बहुत बढ़िया कंडीशन है। SLX वेरिएंट हो जाएगा, X इसका हट गया है वो भी लगा दूंगा, पावर प्लस इंजन हो जाएगा। बॉडी लाइन से कुछ भी नहीं करना है आपको, और ना ही इंजन इंटीरियर से। MHawk D70 टायर वायर से बहुत बढ़िया गाड़ी। तो माइलेज की अगर बात करूं तो इन सब गाड़ियों का माइलेज बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये 1500 cc का और 3 सिलेंडर का इंजन हो जाता है इसका। तो माइलेज लमसम ये 20 के आसपास का माइलेज देती हैं,
और डिपेंड करता है हमारे यूज़ पे कैसे चला रहे हैं, तो ऊपर नीचे माइलेज बढ़ता भी जाता है। ये भी ऑप्शनल मॉडल हो गया, तो इसमें भी आपको चाबी में ही सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, सेंट्रल लॉकिंग चाबी में ही हो गई। जैसे मैंने बताया था कि गाड़ी जो चली हुई है 40,995 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी। इसमें भी आपको स्टीयरिंग पे एक एयरबैग मिल जाएगा, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम महिंद्रा से ही लगा हुआ इनबिल्ट है ये, और एसी हो गया। पावर विंडो आपके यहीं पे चारों पावर विंडो हो जाते हैं। सीट कवर जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल सीट कवर पे गाड़ी है, अभी मैटिंग ठीक ठाक कंडीशन में ही है। तो इधर से भी देखिएगा गाड़ी, रूफ वगैरह की अगर बात करें तो बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी होगी, गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना है, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। हाँ, वो वाला चीज़ है, आप सुंदरीकरण कुछ भी करना चाहेंगे। सीट कवर लगे हुए हैं क्योंकि इसमें देखिए बैग भी हैं, तो सीट कवर कपड़े के लगे हुए हैं इस पर। और यहाँ पे आपको एक ये हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, तो कंडीशन बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंडीशन है। इस साइड से भी देखिएगा तो ये आपके पीछे की दो सीटें हो गई, और ये देखिए फर्स्ट क्लास कंडीशन। गाड़ियाँ जो भी होंगी अपने पास में ये पूरी तरह से गारंटी शुदा होंगी, 100% की गारंटी होगी हर एक चीज़ की। बाकी अपनी संतुष्टि के लिए इसको चेक कराइए, दिखाइए। ये देखिए, जब आपको लगे कि लेने वाली है तो फिर बात करी जाएगी। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, 2020 मॉडल की SLX है, नंबर इसका सुल्तानपुर का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी, 40,900 किलोमीटर गाड़ी चली हुई, ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, तो बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। आस्किंग प्राइस की बात करूँ अगर, तो डिमांड जो हम इसकी करते हैं वो 8 लाख रुपये की करते हैं, और निगोशियेबल प्राइस है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है। आइए दिखा देता हूँ अगली गाड़ी। तो अगली गाड़ी भी बोलेरो ही है, और मॉडल की बात कर लूँ तो 2020 मॉडल की गाड़ी है ये, B4 वेरिएंट हो जाएगा इसका, BS6 में फर्स्ट ओनर गाड़ी हो जाएगी। नंबर की बात करूँ तो नंबर इसका भी UP44 नंबर होगा, सुल्तानपुर का नंबर है, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है, और करीबन 14,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, जो कि ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। तो एक वॉक अराउंड कराता हूँ, अंदर बाहर गाड़ी दिखाता हूँ, देखिए। तो मैं बोलेरो की बात कर रहा था, इसके UP44 नंबर में, ये भी UP44 BB1318 वाइट कलर की गाड़ी है, और ये भी पूरी एक्चुअल कंडीशन होगी, जो भी स्क्रैचेस वगैरह आप देख रहे हैं सब कुछ ओरिजिनल होगा। अभी देखिए ये मीत ऑटो सुल्तानपुर से ली गई है, अभी भी उसका रिबन लगा हुआ है, तो वाइट कलर की गाड़ी है, अभी एज इट इज़ कंडीशन में गाड़ी है, जिस कंडीशन मेरे पास गाड़ी आई हुई है उसी कंडीशन में गाड़ी है। और गाड़ी की कंडीशन की अगर बात करें तो बढ़िया A1 कंडीशन है, स्पेशल एडिशन स्टिकर लगा हुआ है, तो ये कंडीशन है गाड़ी की, बढ़िया A1 कंडीशन गाड़ी होगी। गाड़ियाँ जो भी अपने पास में होंगी इनकी पूरी तरह से गारंटी होगी। ये देखिए B4 वेरिएंट हो जाएगा इसका बोलेरो, ये देखिए एमहॉक G75, तो ये कंडीशन है गाड़ी की, और बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन होगी। एक बार मैं आपको इसको अंदर से भी दिखा रहा हूँ। टायर वगैरह की बात करें तो सारे टायर साथ के लगे होंगे, ये भी देखिए टायर। तो गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्यूल डालिए और गाड़ी चलाइए, सिर्फ इतना ही करना है। चाबी वैसे ही हो जाएगी जैसे आपने उसमें देखी, लेकिन इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं होगी। गाड़ी जो चली हुई है 14,332 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी ये। एयरबैग आपको एक स्टीयरिंग पे मिल जाएगा इसमें, और पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया, विंडो इसमें पावर नहीं होंगे, नॉर्मल विंडो होंगे। सीट कवर ये लेदर के लगे हुए हैं, मैटिंग वगैरह भी ठीक ठाक पड़ी हुई है, और पीछे से खुली नहीं है। तो कंडीशन की अगर बात करें तो कंडीशन गाड़ी की बहुत बढ़िया होगी, कि गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर से भी देखिएगा, स्टेपनी है आपकी यहाँ पे रखी हुई है, जो कि बहुत बढ़िया टायर है। इसी साइड से आपको इधर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सीट कवर वगैरह अच्छी कंडीशन में लगे हुए हैं, और कंडीशन A1 हो जाएगी। गाड़ियाँ जो भी अपने पास में होंगी इनकी पूरी तरह से गारंटी होगी, किसी भी गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना है, 100% गारंटी होगी हर एक चीज़ की। बाकी अपनी संतुष्टि के लिए आप उसको चेक कराइए, दिखाइए, जब आपको लगे कि गाड़ी लेने वाली है तो फिर बात करेंगे। तो कुछ ये कंडीशन है गाड़ी की, और बेहतरीन कंडीशन। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, 2020 मॉडल की गाड़ी है, B6 B4 वेरियंट हो जाएगा इसका, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 14,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड होगी फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी है। जो भी छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं वो भी हम आपको जब देंगे तो रिमूव करके देंगे। 6 महीने की हमारी गारंटी होती है हर गाड़ी पे, तो इंजन, गेयरबक्सा, बैटरी इसकी गारंटी भी होगी। नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होंगी, ओरिजिनल मीटर होंगे। अपनी संतुष्टि की इसको आप चेक कराइए, दिखाइए, जब आपको लगे कि लेने वाली है तो फिर बात करी जाएगी। आ जाता हूँ उसकी डिमांड पे। आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो 8,50,000 रुपये की डिमांड है इसकी, और इन निगोशियेबल प्राइस है, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है, जो भी प्राइस कम हो जाए। आइए दिखा देता हूँ आपको अगली गाड़ी। तो बोलेरो की बात कर रहा था, एक गाड़ी मैं आपको बता रहा था कम प्राइस में होगी, तो गाड़ी मेरे पास ये 2011 मॉडल की गाड़ी है, UP44 नंबर इसका, भी सुल्तानपुर का नंबर हो जाएगा,
और ये चारों कमानी में होगी DI। तो गाड़ी अभी मेरे पास में आई हुई है, जो भी आप कंडीशन देख रहे हैं HD कंडीशन है। जब हम आपको गाड़ी देंगे तो पूरा अंदर बाहर पेंट पॉलिश टायर ट्यूब पंचर और सस्पेंशन क्लच ब्रेक जो भी होगा सब कुछ रेडी होकर तब मिलेगा। तो गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिर्फ फ्यूल डालना है और गाड़ी चलाना है। सुंदरीकरण अपना कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक सीट कवर डलवा लीजिए, हैंगिंग टांग लीजिए, सेंट की शीशी रख लीजिए, कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बाकी आपको मैकेनिकली कुछ भी नहीं करना है। तो बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी होगी जब हम आपको करके रेडी इसको देंगे। तो चलिए एक वॉक अराउंड करा देता हूँ, एक बार अंदर बाहर आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। तो मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, UP 44 नंबर में गाड़ी है ये। मॉडल की अगर बात करूँ तो 2011 मॉडल की गाड़ी है ये, नंबर UP 44, सुल्तानपुर का नंबर है, वाइट कलर की गाड़ी है। गाड़ी अभी मेरे पास में आई है, टायर वगैरह की बात करें तो टायर हल्के हैं, बाकी अभी ठीक ठाक हैं फिलहाल। तो ये कंडीशन है गाड़ी की, स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। गाड़ी DI टर्बो हो जाएगी ये चारों कमानी पे, बोलेरो DI टर्बो। जो भी आप इसमें स्क्रैचेस डेंटिंग जो कुछ भी देख रहे हैं, ये गाड़ी आपको रेडी होके कंप्लीट होके तब मिलेगी। गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना होगा, इसका टायर अंदर रखा हुआ है। तो ये देखिए ये कंडीशन है गाड़ी की, अभी जब हम आपको गाड़ी देंगे तो ये आपको रेडी होके तब मिलेगी। अभी जो भी आप देख रहे हैं जिस कंडीशन में गाड़ी मेरे पास में आई हुई है, उसी कंडीशन में गाड़ी ये खड़ी हुई है। एक बार आपको अंदर से भी दिखा रहा हूँ मैं इसको। आज थोड़ा सा एक्चुअली मैं मौसम यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया था, तो ये देख रहे हैं सब कीचड़ हो गया है, बारिश हो गई थी। तो अंदर की बात करें तो इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, ये तो नॉर्मल है। नॉन पावर स्टीयरिंग हो जाएगी गाड़ी, AC भी नहीं होगा इसमें। म्यूजिक सिस्टम नीचे लगा हुआ है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन का नहीं है, मुझे लगता है हटा के दूसरे ही लगाना पड़ेगा। सीट कवर वगैरह की बात करें अगर तो ये भी हट जाएंगे इसमें से, जब अभी मैं आपको गाड़ी देंगे तो सीट कवर वगैरह हट जाएंगे। पीछे जो आप कवर देख रहे हैं सारे सीट कवर वगैरह सब हट जाएंगे इसमें से, सीट कवर कोई भी ये वाला नहीं मिलेगा आपको। ओरिजिनल सीट कवर जो इसके नीचे है, अरे इसके नीचे दूसरा भी सीट कवर है, लेकिन आपको ओरिजिनल सीट कवर पर गाड़ी मिलेगी। गाड़ी जो चली हुई है लगभग 80,000 किलोमीटर चली हुई है और रेडी होके तब मिलेगी आपको ये गाड़ी। तो कंडीशन की अगर बात करूं तो अभी फिलहाल तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं, लेकिन जब हम आपको देंगे तो बॉडी लाइन से एकदम बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी देंगे। इंजन की बात करूं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास इंजन है इसका, इंजन में कुछ भी नहीं करना है आपको। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, DI टर्बो इंजन पे गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। मॉडल इसका 2011 का है, नंबर सुल्तानपुर का है, वाइट कलर की, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में गाड़ी होगी। अभी कंडीशन जो नहीं देख रहे हैं आपकी अच्छी नहीं, तो वो भी हम करके देंगे आपको। गाड़ी जब मिलेगी आपको तो बढ़िया A1 कंडीशन होके मिलेगी। टायर बॉडी इंजन इंटीरियर कुछ भी अगर काम होगा तो वो रेडी होके मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। कस्टमर की जो नीड है, इसकी जो डिमांड है उसकी, वो 3.5 की आस्किंग प्राइस है, और थोड़ा बहुत इसमें भी बार्गेनिंग होगी और आपको गाड़ी रेडी होके मिलेगी। आइए दिखाता हूँ अगली गाड़ी। तो इस वीडियो की मैं लास्ट गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ आपको, बोलेरो खड़ी हुई है, 2016 मॉडल की गाड़ी होगी, SLX वेरियंट हो जाएगा, नंबर लखनऊ का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और जो गाड़ी चली हुई है लगभग 65,000-66,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, ऑन रिकॉर्डेड फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। तो एक वॉक अराउंड करा देता हूँ, इसके बाद आपको मैं अंदर बाहर गाड़ी दिखाता हूँ। गाड़ियाँ तो बहुत सारी होंगी, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और इधर की बात करूँ अगर तो ये देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर भी बड़ी गाड़ियों में खड़ी होंगी। इसके अलावा काफ़ी सारी बड़ी गाड़ियाँ और भी हैं, अंदर भी खड़ी हैं। इस समय करीबन हमारे पास में 450 के आसपास का स्टॉक है। बोलेरो की बात करूँ तो लमसम मेरे पास में इस समय 22-23 गाड़ियाँ बोलेरो में हैं, जिसमें कि आपको इसमें मैं 7-8 गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, और बाकी और भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये गाड़ी आपको दिखाता हूँ, एक वॉक अराउंड कराता हूँ। तो जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, एक्चुअली में यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको बहुत कार्य तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं पूरी गाड़ी दिखाऊँ आपको। तो बोलेरो ये भी ओरिजिनल टायर पे गाड़ी होगी, जैसे टायर देख रहे हैं ये 7 के टायर लगे हुए हैं, गाड़ी के चारों टायर, पांचों टायर गाड़ी के 7 के होंगे। ये देखिए ये कंडीशन है गाड़ी की, नंबर UP 32 है, लखनऊ का, एक्चुअल कंडीशन गाड़ी होगी, पेंट पॉलिश कुछ भी नहीं किया, क्लैडिंग वगैरह जो भी है इन पे पहले से ही टचअप था, तो और इसके अलावा कोई भी पेंट पॉलिश नहीं है। एक बार मैं आपको इसको बैक साइड से भी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा ये कंडीशन होगी गाड़ी की, SLX वेरिएंट हो जाएगा इसका, पावर प्लस इंजन हो जाएगा और MHawk वेरिएंट पे। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में, इधर से ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको 2 सीटें मिल जाती है, बीच की जगह मिल जाएगी, अगर इसको हटा दें तो स्टेप डिग्गी हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए ये कंडीशन है, सीट कवर वगैरह कपड़े के लगे हुए हैं ये, और ठीक ठाक कंडीशन में ही है। पाँचवा टायर जो स्टेपनी देख रहे हैं आप, ये भी 7 का ही टायर है, कोई भी टायर नहीं बदला गया जैसे मैंने बताया है आपको, और मैं एक बार आपको अंदर से भी दिखा रहा हूँ इसको। तो अंदर से अगर किलोमीटर की बात करें, जो गाड़ी में बता रहा था चली हुई है,
68 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। पावर विंडो आपको चारों मिल जाएंगे, यहीं पे महिंद्रा से म्यूजिक सिस्टम ये लगा हुआ है, पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी, एसी मिल जाएगा, कंडीशन बढ़िया होगी। तो गाड़ी में आपको कुछ भी करना नहीं है, बाकी जैसे मैंने बताया कि मेरी पूरी गारंटी होती है। तो ये देखिए ये कंडीशन, जैसे मैं बात कर रहा था इस बोलेरो की, एक्चुअली जगह उधर कम है तो मैं जैसे दिखा रहा हूँ, 2016 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर हो जाएगी, नंबर लखनऊ का है, 68,000 किलोमीटर चली हुई, ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में ओरिजिनल टायर पे गाड़ी होगी, भी टायर नहीं चेंज किए गए, गाड़ी के कंडीशन बेहतरीन हो जाएगी। पावरफुल इंजन के साथ में गाड़ी है, 18-20 का माइलेज लोकल शहर में देती है, हाईवे पे है तो 20 के ऊपर देती है, बाकी डिपेंड करता है कैसे यूज़ कर रहे हैं आप। आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो डिमांड जो इसकी कस्टमर की वो 6,75,000 रुपये की है, और ये निगोशिएबल प्राइस है, जब भी आप बैठे होंगे तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है, जो भी प्राइस कम हो जाए। आइए अंदर चलता हूँ। तो अभी जो भी बोलेरो मैं आपको दिखा रहा था, ये सब फर्स्ट ओनर गाड़ियाँ होंगी और बेहतरीन कंडीशन की गाड़ियाँ हैं, जिनमें कुछ भी आपको नहीं करना है, प्राइस निगोशिएबल हैं, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ जैसे आज ही मेरे पास किसी का कॉल आया नियो के लिए, उन्होंने बताया कि भाई साहब 11.5 लाख रुपये की गाड़ी है और आप 10 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं उसकी, 2021 का मॉडल है गाड़ी का, 10 लाख रुपए की डिमांड है, जिसमें कि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बार्गेनिंग हो सकती है। तो अगर आपका 2 लाख रुपए के आसपास का बेनिफिट हो रहा है तो मुझे लगता है अगर आपके पास में साल भर या 6 महीने पुरानी गाड़ी होती तो आप कितने की बेचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, फाइनेंस की व्यवस्था भी है अपने पास में, तो फाइनेंस में काफ़ी कमी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया, बिजनेस कर रहे हैं तो 2 साल का ITR चाहिए होता है, सर्विस कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट में चाहिए होती है, और अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो खेतौनी चाहिए होती है। तीनों चीज़ें अगर नहीं कर रहे हैं तो बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, घर मकान अपना है, और आज की डेट में बैंक सिविल स्कोर भी चेक करती है, तो सिविल स्कोर बेहतरीन है तो फटाफट फाइनेंस हो जाता है, 60% से लेकर के 90% तक फाइनेंस हो जाता है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पर। किसी ने मुझसे 2 बार जरूर पूछा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी बताइएगा, तो जैसे जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं, मैं बात करूँ HDFC की, बात करूँ ICICI की, बात करें मैग्मा, श्रीराम, महिंद्रा, टाटा, TBS, कैपिटल, कैपिटल फर्स्ट, IDFC, एक्सिस बैंक, जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, महिंद्रा और जैसे मैग्मा पुणे वाला हो गया, श्रीराम है, इन सबको छोड़ के इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो अधिक होता है। बाकी HDFC, IDFC, टोयोटा और इस टाइप के जितने भी फाइनेंस होंगे, ये फ्लैट की बात करूँ अगर, तो 8.5% पे होगा, 1 लाख रुपये पे 8,500 रुपये साल भर का ब्याज होगा। अगर रिड्यूसिंग की बात करें तो रिड्यूसिंग लमसम में आपको पड़ता है 14.5% के आसपास, RBI के रूल्स के हिसाब से सब रिड्यूसिंग ही होता है, बाकी बताने में अच्छा लगता है कि 8.5% 1 लाख पे 8,500 रुपये, तो यही ब्याज पड़ेगा आपको 1 लाख पे 8,500 रुपये साल भर का। बाकी आप रिड्यूसिंग चाहें तो रिड्यूसिंग ले सकते हैं, फ्लैट चाहें तो फ्लैट ले सकते हैं। जितने भी ये बैंक वाले प्राइवेट वाले हैं, ये EMI जो आपकी होगी वो एक ही कर देते हैं, जैसे 1 लाख रुपए लोन लिया आपने 3 साल के लिए तो 3,450 रुपये की किस्त हो गई और ये आपको 3 साल पे करनी है, आप ऐसे भी ले सकते हो। आप जैसे सोच रहे हैं कि रिड्यूसिंग मिलेंगे कि हर साल या हर महीने के हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कम होती रहेगी, तो वो भी हो सकता है, तो जैसे आप चाहें उस टाइप से हो सकता है, घुमा फिरा के दोनों सब कुछ एक ही जैसा पड़ता है। तो ये तो हो गई फाइनेंस की बात। शोरूम की बात करूँ तो शोरूम हमारा बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से है, जैसे मैंने बताया था आपको, A30 निराला नगर, अपोजिट ICICI बैंक, नियर रामकृष्ण मठ, लखनऊ। मेरा नाम सुबोध तिवारी है और मेरा मोबाइल नंबर है 9335-346-113, 93-35-34-61-13। तो कोई भी जानकारी चाहिए आपको मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा आपको उसके लिए। बाकी जो भी गाड़ियां हैं ये पूरी तरह से गारंटी शुदा होंगी, अपनी संतुष्टि के लिए इनको चेक कराइए, दिखाइए, जब आपको लगे कि हाँ लेने वाली हैं तो फिर बात करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।